हाय हेलो नमस्कार, मुझ जसमंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर आउ इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ, आज आम भिडियो कौन कथ चाहे दैट इज रेनाल सिस्टम। ठीक अच्छे, तो रेनाल सिस्टम उपर आज आम मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। आउ हाँ, आम ये बहुत गुडिये क्लास कर सारे, तो जब आपसब क्लास भिडियो को देखा चाहते तो डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छे, जाकर आपने भिजिट करेंगे ना चैनल को जाकि सब भिडियो को आपने निश्चिंत देखिपारे। आज जब भिडियो आपको भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, आपको सांस आप सब ग्रुप रे वीडियो को शेयर करंतु, जेमति कि सब पिला ए वीडियो रो हेल्पफुल पाई परिबे। आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना नथि एबे जाकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करंतु, आ बेल आइकन को ऑल रखंतु, ए भले इंटरेस्टिंग वीडियो को सर्वप्रथम आपण माने देखि परिबे। आ हां, सब वीडियो बोली आमे आपण को ए वीडियो मध्ये दुटी क्वेश्चन पचारछु। 5 नंबर आ 7 नंबर रे आपण को नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पचरा हाइछि। तो जदि आपण को राइट आंसर जणा थाए तो राइट आंसर संगे संगे तळे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियंतु, आमे आपण को कमेंट रो अपेक्षा रछु, निश्चित आपण को कमेंट रो रिप्लाई देउ। तो ठीक अछि, 5 नंबर आ 7 नंबर राइट आंसर तळे कमेंट कमेंट करदे। आउ गोटे कथ, यहाँ हम फोनपे पेटीएम नंबर जब आपको भिडियो टी भल लगी टी इंटरेस्टिंग लगी देन आपड़ा किसी भी अमाउंट पेमेंट करेंगे। आउ हाँ, जो मैंने प्रीवियस भिडियो देखिए पेमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद, एमती आपको सपोर्ट करता आम आपको ये इंटरेस्टिंग भिडियो निश्चित प्रोवाइड करूँ। आउ हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कथ, जब आपने किसी भी अमाउंट पेमेंट कर 100, 200, 300 जहाँ भी है देन आपड़ा तरह स्क्रीनशॉट आम ए नंबर आम व्हाट्सएप अच्छी, तो आमको सीटी पठातु, तो आम आपको स्क्रीनशॉट पाइबापर आप गोटे यूनिक्यू ग्रुप एड करदेव से आम किसी ओट्यूबल से रिलेटेड टिप्स आउ किसी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करूँ आपको। आउ हाँ, जब आप किसी डाउट थे आमको यही नंबर में कंटाक्ट करेंगे। तो ठीक अच्छे, जल्दी जल्दी पेमेंट करके तरह स्क्रीनशॉट आमको शेयर करले आम आपको निश्चिंत ग्रुप में ऐड करदेव। तो ठीक अच्छे, आउ गोटे कथा, जब आम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपने जॉइन होना, तो तले डिस्क्रिप्शन में तार लिंक अच्छी, जैसे जल्दी जल्दी जॉइन होना, आम से किसी भी न्यू वीडियो किसी भी अपडेट छाड़ू आपने सर्वप्रथमें पारे। तो ठीक अच्छे, आसतु आज इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करवा। तो ठीक अच्छे, आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझ गत जो पूर्व वीडियो दुईट क्वेश्चन पचार थी आपको तार राइट आंसर आपको कह रखुच्छी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन थी ना, व्हाट इज द फोसा कॉल। ठीक अच्छे, तो ये जो फोसाटा आपको आर राइट आंसर देवर था कि यहाँ कौ फोसा बोली, ऑप्शन कौन थी ना, ओलिक्रानन फोसा ना, मांडिबुलर फोसा ना, पॉपलेटियल फोसा ना, क्यूबर्टल फोसा। तो यहाँ कौ फोसा आपको ये इमेज रू देखिकी राइट आंसर देवार था। तो ठीक अच्छे, भाई बहुत पिला राइट आंसर देखते, आउ हाँ किसी पिला कन्फ्यूज होकर रंग आंसर देते। तो ठीक अच्छे, तो मुझे रखुच्छी आपको मन रखु, यहाँ हूँ आम कौ फोसा, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज क्यूबॉइडल फोसा। ठीक अच्छे, बहुत पिला रंग आंसर देखते, जोटा कौन ना ऑप्शन सी, दैट इज पॉपलीटियल फोसा। ठीक अच्छे, तो ये पॉपलीटियल फोसा नुह, तो पॉपलीटियल फोसा कौन, क्यूबॉइडल फोसा कौन आपको निश्चिंत कहीदेवि। तो देखो आमर क्यूबॉइडल फोसा कौन, तो कौन कहला, द क्यूबॉइडल फोसा इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एनाटॉमिकल आर्म एंड द फोरआर्म, इट इज लोकेटेड इन ए डिप्रेशन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो जॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी क्यूबॉइडल फोसा बिकॉज इट लाइज एंटीरियरली टू द एल्बो, दैट इज लैटिन क्यूबिटस व्हेन इन स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजिशन। तो कौन कहला देखो, तो आम जो रहा क्यूबॉइडल फोसा यहाँ आम कौटी थाए जोटा कि ट्रांजिशन बिटवीन द एनाटॉमिकल आर्म आउ फोर आर्म। तो आम आर्म रहा आपने जापड़े इमेज को मन पकातु, आम रहा यहाँ रहा आर्म देन आर्म आउ ये जो रहा फोर आर्म। ठीक अच्छे, तो यही आर्म आउ फोर आर्म भितर जो आम ट्रांजिशनटा रोचे आम कौन बोली कही थाज आम कही क्यूबॉइडल फोसा। तो देन कौन कहला ना, इट इज लोकेटेड इन ए डिप्रेशन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो जॉइंट। कौन ना, मुझे जो कहली एल्बो जॉइंट रमर अपोजिट अच्छी एल्बो जॉइंट रमर एंटीरियरली अच्छी जोटा कि कौन, दैट इज आम क्यूबॉइडल फोसा जोटा कि आम डिप्रेशन टी हो। ठीक अच्छे, तो यहाँ आपको यहाँ दे कि आम कौन, दैट इज एल्बो लैटिन वर्ड होगी क्यूबॉइडस, जेहतु ये एंटीरियर रोचे एल्बो आम आंटी क्यूबॉइडल फोसा कही था। ठीक अच्छे, तो आम क्यूबॉइडल फोसा को आंटी क्यूबॉइडल कही था। ठीक अच्छे, तो भाजपा आप निश्चिंत बुझीपारे, तो आम ये जो इमेज टी जो फोसाटा कौन, दैट इज आमर आंटी क्यूबॉइडल फोसा। ठीक अच्छे, भाजपा आपने जमा भी भूलिबे, तो यहाँ हूँ कौन, दैट इज आंटी क्यूबॉइडल फोसा। तो बहुत पिला कन्फ्यूज होते कि आम पॉपलीटियल फोसा कौन, तो मैं आपको कह रखुच्छी पॉपलीटियल फोसा होती है नीर जो पछपटे जो फोसाटा रोचे देखो इमेज में भलसे देखो, तो आम कौन कही था, दैट इज पॉपलीटियल फोसा कही था। ठीक अच्छे, तो पॉपलीटियल फोसा आउ क्यूबॉइडल फोसा जमा भी कन्फ्यूज होनी, क्यूबॉइडल फोसा आम आर्म थाए हाथ में थाए देन आम लेग्रे थाए पॉपलीटियल फोसा जोटा कि नीर आमर पोस्टेरियरली थाए। ठीक अच्छे, तो भाजपा आप निश्चिंत बुझीपारे पॉपलीटियल फोसा आम जो रहा क्यूबॉइडल फोसा। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन अच्छी आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थी कौन, दैट इज नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट एक्जिट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक अच्छे, तो आम स्पाइनल नर्व रु कतोटी स्पाइनल नर्व आमर एक्जिट हो बाहर जी आपको ये
क्वेश्चन पड़ता ऑप्शन थी कौन 26 ना 31 ना 33 ना 24 तो केतेटा स्पाइनल नर्व आमर स्पाइनल कॉर्ड रु एग्जिट हो क्वेश्चन पड़ता तो राइट आंसर कौन हम दैट इज बहुत पिला कन्फ्यूज होकर रंग आंसर देते तो आपको कहूँगी दैट इज द राइट आंसर इज 31 ठीक अच्छे तो 31 पेयर ऑफ आमर कौन दैट इज आमर स्पाइनल नर्व थाए ठीक अच्छे तो आमर ह्यूमन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आ क्रानियल नर्व के दैट इज 12 पेयर ऑफ क्रानियल नर्व ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हो तो कौन कहला ना स्पाइनल नर्व इन वर्टिब्रास एनी वन ऑफ मेनी पेयर पेरिफेरल नर्व्स दैट आराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड कौन कहला ना स्पाइनल कॉर्ड रु मेनली हमरा जो रहला स्पाइनल नर्व रे आराइज हेते इन ह्यूमंस देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जोडा रहला कौन दैट इज 8 सर्वाइकल 12 थोरासिक 5 लुम्बर 5 सैक्रल एंड 1 कोक्सियल ठीक अच्छे तो आमर देखिए आपको मिसई दिं 8 सर्वाइकल 12 थोरासिक 5 लुम्बर 5 सैक्रल एंड 1 कोक्सियल को मिसई देते दैट इज आम 31 पेयर तो ईच पेयर कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विथ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी ठीक अच्छे आमर ये जो स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स रहा आम स्पाइनल कॉर्ड रु बाहर ईच आम बॉडी पार्ट को आमर मानने कनेक्ट हो तो ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चित बुझीपारे आम कतोटी स्पाइनल नर्व रहा दैट इज आम 31 पेयर देखो आपको इमेज देखे दूसरी देखो स्पाइनल नर्व आमर केतोटी देखो C1 रु C8 रहा कौन दैट इज आम सर्वाइकल नर्व थोरासिक रहा T1 रु T12 देन L1 रु L5 रहा लुम्बार नर्व देन S1 रु S5 रहा सैक्राल नर्व देन कोक्सियल नर्व रहा गोटे ठीक अच्छे ताको आपण मिसई देबे दैट इज हिज आम 31 पेयर ठीक अच्छे तो भाई आप निश्चित बुझीपारे तो आपने कन्फ्यूज होते कि 26 आंसर हम ठीक अच्छे 26 जमा भी आंसर हेनी 26टा कौन आम स्पाइनल कॉर्डर वर्टिब्रा हूँ 26 जोटा कि आम आडल्ट मानक थाए तो आपको कहूँगी कौन से 26 वर्टिब्रा दैट इज आम जो रहा आम कौन दैट इज C7 T12 देन रहा L5 देन रहा सैक्रम 1 एंड कॉक्सिस 1 तो ठीक अच्छे तो आपको कौन कहला आमर एटा हूँ वर्टिब्रा जोटा कि रहा आम कौन दैट इज आम सर्वाइकल थोरासिक लुम्बार सैक्रम आउ कॉक्सिस ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम वर्टिब्रा जोटा कि 26 आडल्ट मानक थाए ठीक अच्छे कितनी आपको कन्फ्यूज कर 33 भी तो ठीक अच्छे 33टा कौन आप करूँ 33टा हूँ मेनली आम जहाँ भी डिफ्यूज होने थे आम चाइल्ड मानक कौन हुए ना आम 33टा थाए जोटा कि आडल्ट्रे जाए के दैट इज 26 तो 33टा कौन थाए दैट इज आम C7 जोटा रहा आम कौन दैट इज सर्वाइकल 7 देन रहा थोरासिक 12टा थाए देन आम लुम्बारटा भी 5टा थाए देन कौन थाए ना आम पिला क्षेत्र में सैक्रमटा थाए 5टा आ कक्सीटा थाए कत दैट इज 4टा तो यहीटा बड़ होगा डिफ्यूज होता है तो आपको आपड़ मिसई देते हम 12 साथ 19 5 के 19 5 24 5 29 4 33 ठीक अच्छे तो आम एटा हूँ चाइल्ड मान क्षेत्र में आम वर्टिब्रा थाए 33 आडल्ट क्षेत्र में आम डिफ्यूज हो जाए सैक्रम 5टा आम गोटे जाए एंड कक्सीस जाए 4टू गोटे तो सहीटा आम आडल्ट क्षेत्र में कैसे दैट इज 26 हो जाए वर्टिब्रा आम स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा एतटा कितु स्पाइनल नर्व कतेटा दैट इज आम राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड ठीक अच्छे तो भाव निश्चिंत बुझीपारे तो आसतु आज इंटरेस्टिंग क्लास आम रेनाल सिस्टम उपरे स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको रेनाल सिस्टम उपरे कौन अच्छे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना एक नंबर ए पेशेंट वेट 50 kg वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ ओलिगुरिया इफ द आवरली यूरीन आउटपुट इज तो कौन कहला आम गोटे गोटे पेसेंट अच्छे जहाँ कि वेट हूँ 50 kg तो तार यूरीन आउटपुट पर आवरली आम केलिगुरी सस्पेक्ट करवा ठीक अच्छे तो क्वेश्चन बुझीपारे ऑप्शन देखो 15 ml ना 25 ml ना 35 ml ना 45 ml ठीक अच्छे तो ओलिगुरी आम केते यूरीन आउटपुट पर आवरली हेले आम ओलिगुरी कहवा तो देखा ये केते पिला राइट आंसर जना अच्छे तो जदि आपको राइट आंसर जना था सागे सागे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो राइट आंसर आपको कह रखुच दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज 15 ml तो जदि आम यूरीन आउटपुट 15 ml हो गए 50 kg पेसेंट रो आम कौन कह दैट इज ओलिगुरी सस्पेक्ट करवा ठीक अच्छे तो आपको देखे दूसरी एक्सप्लेनेशन में देखो तो कौन कहला एक्सप्लेनेशन ना हेल्थी यूरीन आउटपुट फॉर एन एडल्ट पर्सन शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.5 ml पर केजी पर आवर दिस मिनिमम वैल्यू इज ए बिट डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन व्हिच इज 1 ml पर केजी पर आवर तो कौन कहला देखो ना गोटे आडल्ट पर्सन रेल्दी यूरीन आउटपुट होते कहना जो आम 0.5 ml
पर केजी पर आवरली तार यूरीन आउटपुट होतिबो बा ताटू अधिका होतिबो ताकू आमे कोन कहबा दैट इज हेल्दी यूरीन आउटपुट होच बोली कहबा। तो ठीक अछि त अपन गटी क्वेश्चन ने देखि दोची टी क्वेश्चन ने कोन दिथला एटी हमरो गोटे पेशेंट अछि जहार की वेट अछि 50 केजी। तो 50 केजी वेट रो हमर आवरली यूरीन आउटपुट केते हेबा कथा जोटा की अपन गटी कोन देला दैट इज 0.5 इनटू बॉडी वेट केते 50 से। तो 50 को आमे 0.5 रे गुणीबा तो गुणिले हमर केते आसीबो दैट इज आसीबो 25। तो 25 होची हमर नॉर्मल यूरीन आउटपुट गोटे 50 केजी पेशेंट रहा। तो ये ऑप्शन देखो जहाँ भी अच्छे 25 ऊपर को अच्छी ऑप्शन तीन टा। तो आमर एटा होची दैट इज आम ओलिगुरिया नुह दैट इज आमर एटा होची नॉर्मल आउटपुट आम यूरीन आउटपुट किंतु आमर 15 ml जोटा कि 15 ml टा होची कौन दैट इज आम ओलिगुरिया को सस्पेक्ट करुची कारण ये नॉर्मल ना। तो नॉर्मल आउटपुट गोटे 50 केजी रो आम नॉर्मल आउटपुट पर आवरली यूरीन आउटपुट के दैट इज 25 किंतु जदि ताठू कमुची देन ताको आम कौन बोली कहवा दैट इज ओलिगुरिया भी कहवा। ठीक अच्छे भाजी आप निश्चित बुझीपारे ओलिगुरिया डेफिनेशन आपको कहूँ ओलिगुरिया इज डिफाइंड एज ए यूरीन आउटपुट दैट इज लेस देन 1 ml पर केजी पर आवर इन इनफेंट्स लेस देन 0.1 ml पर केजी पर आवर इन चिल्ड्रेन एंड लेस देन 400 ml डेली इन एडल्ट्स। इट इज वन ऑफ द क्लिनिकल हॉलमार्क्स ऑफ रेनल फेल्योर एंड हैज बीन यूज्ड एज ए क्राइटेरियन फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्टेजिंग अक्यूट किडनी इंजुरी दैट इज AKI प्रीवियसली रेफर्ड टू आक्यूट रेनाल फेल्योर। तो देखो इंटरेस्टिंगली कौन कहला ना ओलिगुरिया आम केत कहवा जितेबाला गोटे चिल्ड्रेन मानक इनफेक्ट मानक 1 ml पर केजी पर आवरली यूरीन आउटपुट होटू कम होता आम ओलिगुरिया कहवा आडल्ट मानक दैट इज 0.5 ml पर केजी पर आवर जदि होउनी बा तार टू लेस होउची ताको आमे कोन बोली कहबा दैट इज ओलिगुरिया बोली कहबा। आ ओलिगुरिया रे मेनली पर डेली आमर केते होई बा 24 आवर रे एडल्ट मानकर केते यूरिन आउटपुट होले ताको आमे कहबा ओलिगुरिया दैट इज लेस देन 400 ml। तो जदि आमर लेस देन 400 ml 24 आवर रे होउची बा पर डे रे होउची तो ताको आमे कोन बोली कहबा दैट इज ओलिगुरिया। तो देखो आपको मुझे क्वेश्चन में जोटा ओलिगुरिया डेफिनेशन था कौन जो 400 रू जी कम हो यूरीन आउटपुट तक ओलिगुरिया कहवा। तो देखो ये जो ऑप्शन देखा ऑप्शन जो बी आउ सी आउ डी देखो ये आम जब मिनिमम टा ना 25 ml तो 25 जदि ml पर आवरली यूरीन आउटपुट होम 24 आवर के हम दैट इज 25 × 24 इज दैट इज 600 ml। तो ये सी कौन कही 400 ml रू तौक हमें ओलिगुरिया कहवा तो आम 25 ml तो हेनी देन 25 ml जब न हो 35 ml भी हेनी 45 ml भी हेनी तार अधिक हम देन देखो आम 15 ml को ना जो राइट आंसर होता है देखो 15 ml को ने 15 × 24 कले आम राइट आंसर के 15 × 24 के 360 जोटा कि कौन आम लेस देन 400 ml तो आम ओलिगुरिया कह। तो ठीक अच्छे भाजपा आप मैंने बुझीपारे ओलिगुरिया कौन है दैट इज आम जब लेस देन 400 ml यूरीन आउटपुट हो डेली 0.5 ml पर केजी पर आवर यूरीन आउटपुट हो तो आम कौन बोली कह दैट इज ओलिगुरिया कह। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा 2 नंबर क्वेश्चन कौन देती ना एनिरुसिस इज। ठीक अच्छे तो एनिरुसिस माने कौन आपको ये राइट आंसर देवार अच्छी देखो ऑप्शन ए देला कौन ना इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन ना पेनफुल यूरिनेशन को आम एनिरुसिस कहवा। तो ऑप्शन सी देखो ऑप्शन सी टा ऑप्शन ए जहाँ से तो ये रिपीटेड हो जाए देन देखो ऑप्शन डी एक्सेसिव यूरिनेशन को आम एनिरुसिस कहवा। ठीक अच्छे तो एनिरुसिस माने कौन यही ऑप्शन यही तीन टी मध्य आपको राइट आंसर देवार अच्छी ए बी आउ डी। ठीक अच्छे तो यही तीन टी राइट आंसर जब आपको जना था सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियंतु। तो एनिरुसिस माने कौन दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन। तो इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन को आम कौन बोली कहवा दैट इज एनिरुसिस कहवा। तो एनिरुसिस माने कौन दैट इज आम मैंने इनवॉलंटरी आम चाहू ना गोटे गोटे जगह जो यूरीन पैसेज हो जाए अजणा जो यूरीन पैसेज होने एनिरुसिस कहता हूँ। ठीक अच्छे तो देखो आपको एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना एनिरुसिस इज ए रिपीटेड इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन यूज ऑफ द टर्म इज यूजुअली लिमिटेड टू डिस्क्राइब पीपल ओल्ड एनफ टू बी एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज सच कंट्रोल इनवॉलंटरी यूरिनेशन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो कौन कहला ना एनिरुसिस माने कौन जोटा कि रिपीटेड इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन तो आम यूरिनेशन को आम कंट्रोल करिबा माने करि पारुनु जोटा जोटा कि आम कौन बोली कहता हूँ दैट इज एनिरुसिस बोली जोटा कि कौन ना आम चाहू ना जगह आम भॉइडिंग हो जाए यूरिनेशन हो जाए। तो ठीक अच्छे तो भाजी आप निश्चित बुझीपारे आउ एनिरुसिसटा को क्षेत्र में आप्लिकेबुल ना जपर्यंत जाए आफ्टर दि एज अफ दि पर्सन सुड भी एबुल टू कंट्रोल जपर्यंत जाए गोटे पर्सन रसनी गोटे मेनली गोटे एज आसनी कि सी कंट्रोल कर छुआ मान छुआ मान तो कंट्रोल करें तो आम एनिरुसिस कहानी
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପର୍ସନର ଆମର ଆବିଲିଟି ଆସିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହିଁ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନୋରିସିସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ କହି ରଖୁଛି ଏଇ ଏନୋରିସିସ୍ ଉପରେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇ ଅର୍ନାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡାଇ ଅର୍ନାଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଯଦି ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆମର ୟୁରିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଭଏଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଏନୋରିସିସ୍ ହେଉଛି, ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁରିନେସନ୍ ବା ଏପିସୋଡ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଡାଇ ଅର୍ନାଲ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନକ୍ଚର୍ନାଲ କାହାକୁ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ନକ୍ଚର୍ନାଲ କ'ଣ, ନକ୍ଚର୍ନାଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏନୋରିସିସ୍ ବା ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁରିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଭଏଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନକ୍ଚର୍ନାଲ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡାଇଅର୍ନାଲ ଆଉ ରହିଲା ନକ୍ଚର୍ନାଲ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ନା ପୋଟାସିୟମ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଲି ଆବଜର୍ଭ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେଫ୍ରନ୍। ତ ପୋଟାସିୟମ ଆମର ନେଫ୍ରନ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଧିକା ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ, ନା ଡିସିଟି ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା କ'ଣ, ନା ଡିଷ୍ଟାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ, ନା ଅପସନ୍ ସି କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟସ, ନା ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ। ତ କେଉଁଠି ଆମର ପୋଟାସିୟମଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି, ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ। ତ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ ବା PCTରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ପୋଟାସିୟମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ନା ପୋଟାସିୟମ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଲି ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ବାଇ ଦି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଦ ବଲ୍କ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ପୋଟାସିୟମ ଇଜ୍ ରିଆବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ, ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 10% ଅଫ୍ ଦି ଫିଲ୍ଟର୍ ଲୋଡ୍ ରିଚେଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାଲ୍ ନେଫ୍ରନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, ଆମର ପୋଟାସିୟମଟା କେଉଁଠି ମେନ୍ଲି ଆବଜର୍ଭ ହେଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାଉଜ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଆମର ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ, କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ, ତ ଏସବୁର କାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଏଠି ଆମର ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ତ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କରେ ଆମର, ନା ଇଟ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ୟୁରିନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୋଡିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆର୍ ରିଆବଜର୍ଭ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁରିନ୍, ଦ ଅଦର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଆବଜର୍ଭ ଆର୍ ୱାଟର୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ୍ସ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆମର ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ତା ସହିତ ଆମର ୱାଟର୍ ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଇଥାଏ। କେଉଁଠି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ, ତ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ କ'ଣ, ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁ ସେପ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ PCT ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, ଇଟ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ରିଆବଜର୍ଭ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍। ତ ଆମର ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେଲେରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ନା ରିଆବଜର୍ଭ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍, ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ଆମର ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ନା ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଲ, ତ ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କରେ, ନା ଏଠି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହେନ୍ଲେସ୍ ଲୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲୁରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ DCT ଇଜ୍ ସିକ୍ରେସନ୍, ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍। ତ ଆମର DCT କ'ଣ କରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରହିଲା, ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରେ। କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ଆମର ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ, ତ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ କ'ଣ, ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେଫ୍ରନ୍, ଇଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁରିନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, ନା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କରେ, ନା ୟୁରିନ୍ ଆମର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁରିନ୍କୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଏଇଟା ଆମର ନେଫ୍ରନ୍ର କେତେଟା ପାର୍ଟ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କାମ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଇମେଜ୍ରେ, ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ନେଫ୍ରନ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟି ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, ତ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ସ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ସ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠୁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକରି ଆସିଲା କେଉଁଠିକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁ ସେପ୍ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍କୁ, ଦେନ୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆମର କାହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଆମର ୟୁରିନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନେଫ୍ରନ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟ ଆଉ ତା'ର ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ।
ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कौन अच्छी द थ्री रीजन्स ऑफ किडनी आर तो आम किडनी जो तीन टा रीजन थाए से कौन देखो ऑप्शन ए कॉर्टेक्स मेडुला एंड पेरिटोनियम ना कॉर्टेक्स मेडुला एंड पेल्विस ना कॉर्टेक्स मेडियास्टिनम एंड पेल्विस ना ओमेंटम मेडुला एंड पेल्विस ठीक अच्छे तो तीन टा जो रीजन अच्छे किडनी तो तार जो आम रीजन अच्छी तो तार ना कौन ये आपको क्वेश्चन पचार तो राइट आंसर आपको जब जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करदे ठीक अच्छे तो तीन टा किडनी जो आम रीजन है कौन दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कॉर्टेक्स मेडुला एंड पेल्विस ठीक अच्छे तो आपको एक्सप्लेनेशन देखेदेवी इमेज देखेदेवी तो देखो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना तो किडनी इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट रीजन इंटरनली दैट इज द आउटर इज कॉर्टेक्स द मिडिल इज मेडुला एंड द इनर मोस्ट रेनाल इज कौन दैट इज आमर रेनाल पेल्विस ठीक अच्छे तो भाव निश्चित बुझीपारे जोटा कि आउटर रहा कॉर्टेक्स मिडिल रहा मेडुला एंड इनर मोस्ट रहा किए दैट इज आम रेनाल पेल्विस ठीक अच्छे तो आपको इमेज देखे देखो आमर आउटर रहा किए दैट इज कॉर्टेक्स देखो देखो आमर यहाँ रहा आउटर किडनी देन देखो मेडुला जोटा मिडिल पार्ट रहा देन देखो रेनाल पेल्विस जोटा कि आमर इंटरनाली रहा ठीक अच्छे तो भावे आप निश्चित बुझीपारे इमेज आपने स्क्रीनशॉट कर रखिपारे तो नेक्स्ट देखो पांच नंबर क्वेश्चन जोटा कि आपको राइट आंसर देवार अच्छी नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ यूरिन इज तो कौन कहला ना नॉर्मल रेंज तो यहाँ रेंज आपड़ करेक्शन करेंगे यहाँ टी मिस्टेक तो नॉर्मल रेंज आम यूरिन रि पीएच के पचार ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखी ना 4.5 रु 8.0 ना 4.0 रु 6.0 ना 6.0 रु 7.0 ना 7.0 रु 8.0 ठीक अच्छे तो यूरिन पीएच के कहार अच्छे तो यही चार्ट ऑप्शन भितर जब राइट आंसर जना था आपको तले कमेंट सेक्शन में सांगे सांगे कमेंट कर दिंतु आम आपको कमेंटर निश्चिंत अपेक्षा रोचु निश्चिंत आपको रिप्लाई देव आँ आम जापरू के पिलार राइट आंसर जानते हैं तो ठीक अच्छे तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आँ जब आपको राइट आंसर जना न था तो नेक्स्ट भिडियो को वेट करूँ आम नेक्स्ट भिडियो आपको राइट आंसर सहित फुल्ली एक्सप्लेनेशन करदेव तो निश्चिंत आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो आम ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला छ नंबर आन्यूरिया मीनस तो आन्यूरिया माने कौन ये आपको कहार अच्छे देखो ऑप्शन ए कौन देला मोर यूरिन एट नाइट को आम आन्यूरिया कहवा ना यूरिन आउटपुट लेस दैन 100 ml इन 24 hours रे आम आन्यूरिया कहवा ना यूरिन आउटपुट ऑफ 100 ml इन 12 hours आम आन्यूरिया कहवा ना यूरिन आउटपुट लेस दैन 300 ml इन 24 hours हेले आम आन्यूरिया कह ठीक अच्छे तो भलसे क्वेश्चन टी देखु भलसे ऑप्शन टी देखु देन आपको जब राइट आंसर जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे देखो कौन कहला ना आन्यूरिया आम क्या कहवा ठीक अच्छे देखा कैसे पाला राइट आंसर जना तो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज यूरिन आउटपुट लेस दैन 100 ml इन 24 hours जदि आम यूरिन आउटपुट 24 hours 100 ml आसूँ आम कौन बोली कह दैट इज आन्यूरिया कह जोटा कि गोटे बहुत बड़ क्रिटिकल कंडीशन किडनी तो देखो एक्सप्लेनेशन में कौन कहला ना आन्यूरिया इज नॉन पैसेज ऑफ यूरिन जोटा कि बहुत कम परिमाण में यूरिन आसो इन प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ लेस दैन 100 ml ऑफ यूरिन इन ए डे तो जब आम 100 ml आसूसी यूरिन इन ए डे 24 hours तो आम कौन बोली कह दैट इज आन्यूरिया कह ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चित बुझीपारे तो आन्यूरिया आन्यूरिया आने ब्रीफ नलेज देखो कौन कहला ना आन्यूरिया समटाइम्स कॉल्ड आन्यूरेसिस refers to the lack of urine production. This can happen as a result of condition like shock, severe blood loss, and failure of heart or kidneys. It can also be due to medications or toxins. Anuria is an emergency and can be life-threatening. जोड़ा क्या अपन उनको कोई ली? कौन कोई ला? ना anuria कोई ले कौनो? दैट इज आमर लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन हम जोटा कि 100 ml पर 24 hours रे देन कौन कहला ना दिस कैन हापेन यहाँ आम घटी पारे कौ कौ क्षेत्र में ना आम शॉक जदि थी आम एटा भी देखा देन सीवियर ब्लड लॉस जी थी आम एटा भी देखा देन जब हार्ट फेल्योर भी अच्छे यहाँ भी देखा और आम किडनी फेल्योर जब अच्छी यहाँ भी देखा बहुत आम लाइफ थ्रेटनिंग ठीक अच्छे तो भाव आपने निश्चित बुझीगले आन्यूरिया कौन आन्यूरिया कौ कौ आम क्षेत्र में देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 number जोटा कि आपको राइट आंसर कहार अच्छी तो देखने जोटा कि सेकंड क्वेश्चन जो आपको राइट आंसर कर दैट इज हेमोडायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ ठीक अच्छे तो हेमोडायलिसिस कौन आपको ये राइट आंसर कहार अच्छी ठीक अच्छे ऑप्शन देखो एडिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड एक्सट्रैक्टिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एक्सट्रैक्टिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड
मिक्सिंग ब्लड विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कहला ना हेमोडायलिसिस कहला आम कौन बोली बुझा ना आम जब ऑक्सीजन आड करे ब्लड में आम हेमोडायलिसिस कहवा ना एक्सट्रैक्टिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आम हेमोडायलिसिस कहवा ना एक्सट्रैक्टिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड आम हेमोडायलिसिस कहवा ना जब आम मिक्सिंग ब्लड विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जब आम किसी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को एसेंशियल करूचे आम कौन बोली कहवा ना हेमोडायलिसिस। तो देखा कैसे पिला राइट आंसर जना आउ पा राइट आंसर दौरान तो आम आपर कमेंट अपेक्षा रखु निश्चिंत तले आपने कमेंट में कमेंट कर दिंतु। तो ठीक अच्छे आम एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला ना आक्यूट रेनाल फेल्युअर इज। तो ठीक अच्छे आम आक्यूट रेनाल फेल्युअर केतबले कहवा ठीक अच्छे ऑप्शन देखो ऑप्शन ए 15% और ग्रेटर इनक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल ना 20% और ग्रेटर इनक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल ना ऑप्शन सी 25% ग्रेटर इनक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल ना ऑप्शन डी 50% और ग्रेटर इनक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो कौन कहला ना आम केते परसेंट रु आम क्रिएटिनिन लेवल इनक्रीज हेले आम आक्यूट रेनाल फेल्युअर बोली कहवा ठीक अच्छे। तो देखा ये केते पिला राइट आंसर जना अच्छी। तो जदि आपको राइट आंसर जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज 50% और ग्रेटर इनक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल। जदि आमर 50% आम क्रिएटिनिन लेवल जैक रोहवा कथा जी अधिका रोचे देन आम कौन बोली कहवा दैट इज आक्यूट रेनाल फेल्युअर बोली कहवा ठीक अच्छे। आपको एक्सप्लेनेशन देखिए देखो कौन कहला ना आक्यूट किडनी फेल्युअर इज डिफाइंड एज एन आब्सोल्यूट इनक्रीज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन ऑफ एटलिस्ट 0.3 mg पर डीएल ठीक अच्छे। जदि आम एति बढ़ुच्छे देन आम कौन बोली कहवा दैट इज आक्यूट किडनी फेल्युअर बोली कहवा और रिलेटिव इनक्रीज ऑफ एटलिस्ट 50% फ्रॉम द बेसलाइन। तो आम जी रही कथा जी तागर आम 50% बढ़ुच्छे देन आम कौन बोली कहवा दैट इज आक्यूट किडनी फेल्युअर ठीक अच्छे। आपको मुझे रखुच्छे क्रिएटिनिन आम नॉर्मल के देखो तो 0.7 रु 1.3 mg डीएल हूँ कौन दैट इज आम नॉर्मल इन मेन यहाँ हूँ मेन रे नॉर्मल क्रिएटिनिन नॉर्मल केट इज मेन रे 0.7 रु 1.3 mg पर डीएल ठीक अच्छे। आउ वोमेन केट इज वोमेन टी स्लाइटली कम जोटा कि दैट इज 0.6 टू 1.1 mg डीएल ठीक अच्छे। यहाँ हूँ कौन थे ना वोमेन मानकर तो वोमेन मानकर क्रिएटिनिन 0.6 रु 1.1 आउ मेल मानकर दैट इज 0.7 रु 1.3 क्रिएटिनिन लेवल जोटा कि नॉर्मल। जदि आम से एलिवेटेड हो जी 50% एलिवेटेड हो इनक्रीज होता कौन बोली कही था दैट इज आम आक्यूट किडनी फेल्युअर बोली कही था ठीक। तो देखो आपको आक्यूट किडनी फेल्युअर आम आक्यूट रेनाल फेल्युअर कतोटी सिम्पटम आपको कही तो देखो कौन कहला ना मेनली कौन देखा ना लॉस ऑफ एपेटाइट देखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखा देन इरेगुलर हार्ट बीट रहिबो देन चेस्ट पेन तो सियोर हम देन डिक्रीज यूरिन आउटपुट ठीक अच्छे। मेनली आम आक्यूट किडनी रे कौन देखा आक्यूट किडनी फेल्युअर मेनली ओलिगुरिया देखा ना आम एनुरिया निश्चिंत देखा ठीक अच्छे। देन आम एडिमा देखा जेहेतु आम यूरिन आउटपुट लेस हम देन आम बॉडी रे ही अधिक परिमाण में फ्लूइड डिपोजिट हम तो आम निश्चिंत एडिमा देखा ठीक अच्छे। तो आम यही सब सिम्पटम मेनली आक्यूट रेनाल फेल्युअर देखा। तो ठीक अच्छे आपको मुझे आक्यूट रेनाल फेल्युअर डेफिनेशन देखे दूसरी देखो कौन कहला ना आक्यूट किडनी इंजुरी एकेआई अल्सो नोन आज आक्यूट रेनाल फेल्युअर एआरएफ इज ए सडन एपिसोड ऑफ किडनी फेल्युअर और किडनी डैमेज दैट हैपेंस विदिन ए फ्यू आवर्स और ए फ्यू डेज एकेआई कॉजेस ए बिल्ड अप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन योर ब्लड एंड मेक्स इट हार्ड फॉर योर किडनीज टू कीप द राइट बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। कौन कहला आम एकेआई आम रहा कौन दैट इज आम आक्यूट रेनाल फेल्युअर कौन दैट इज सडन एपिसोड ऑफ किडनी फेल्युअर और किडनी डैमेज दैट इज आम सडन किसी दिन भितर कि आवर भितर कौन हुए ना जब आम यूरीन आउटपुट कम रहीगला आम वेस्ट प्रोडक्ट आम किडनी अधिका इनक्रीज कला तो आम कौन बोली कहवा दैट इज आम कौन बोली कहवा दैट इज आक्यूट रेनाल फेल्युअर बोली कहवा ठीक अच्छे। जोटा कि आम शॉर्ट टर्म पर किसी दिन भितर हो कि आवर भितर हो तो भाव आप निश्चित बुझीपारे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला नौ नंबर फ्रुसेमाइड एक्ट्स ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ठीक अच्छे। तो कौन कहला ना आम फ्रुसेमाइड आपने जानते हैं गोटे आम दि जाए जोटा कि लासीस बोली कही था तो फ्रुसेमाइड आम कौ पार्ट्र नेफ्रॉन रौ पार्ट्रे सी मेनली आक्ट करें ठीक अच्छे। ठीक अच्छे भाजपा आपको निश्चित बुझीपारे क्वेश्चन टी तो आम
କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଫୁର୍ସେମାଇଟ୍ଟି ଆମର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ୍ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ ଆମର ଇଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ନା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନଲେରେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ଆମର ଇଫେକ୍ଟ କରି ପକାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନଲେରେ ଆମର ଆକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଦେନ୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ ଆମର ଏଇଟା ଫୁର୍ସେମାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେଫ୍ରନ୍ରେ ଆମର ଫୁର୍ସେମାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ତା'ର ମେକାନିଜିମ୍ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେଫ୍ରନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଜଣାଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିପାରିବେ। ତ ଦେଖିନେବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁ ସେପ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ ତା'ର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଠିକିରି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ଲି ଫୁର୍ସେମାଇଡ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇଠି ତା'ର ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବା ଆକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫୁର୍ସେମାଇଡ୍ ଲାଇକ୍ ଅଦର ଲୁପ୍ ଡାଇରେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ ବାଇ ଇନିଭିଟିଂ ଦ ଲୁମିନାଲ୍ ସୋଡିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଥିକ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ ବାଇ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଦି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦସ୍ କଜିଂ ମୋର୍ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଟାସିୟମ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁରିନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା କେଉଁଠି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥିକ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନ୍ଲେରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ସୋଡିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଲା ସେଇଟା କୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର୍ ସେଇଟା ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ୟୁରିନ୍ରେ ଆମର ମେନ୍ଲି ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ଟା ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫୁର୍ସେମାଇଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ବାଇ ବ୍ଲକିଂ ଦ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ୟୁବଲ୍ସ କଜିଂ ଏ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍ ଦ ଅନ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଓଲାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ 1 hour ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଇ ୟୁରେସିସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ 6 to 8 hours, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଫୁର୍ସେମାଇଡ଼୍ଟା କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲକିଂ ଦ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡିୟମ୍, ତ ଆମର ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ୱାଟର୍କୁ ମେନ୍ଲି କ'ଣ କରେ ନା ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ୟୁରିନ୍ରେ ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ୟୁରିନ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇୟୁରେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନା ଦ ଅନ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଓରାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ 1 hour, ତ ଆମେ ଓରାଲି ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫୁର୍ସେମାଇଡ଼୍କୁ ଆମର 1 hourରେ ତା'ର ମେନ୍ଲି ତା କାମ ଦେଖାଇ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ କେତେ କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 6 to 8 hours, ତ 6 to 8 hour ଭିତରେ ତା'ର କାମଟା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଇଫେକ୍ଟଟା ପୁଣି କମିଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫୁର୍ସେମାଇଡ୍ ଆମର କେଉଁଠିକି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ବା ଆମର କେଉଁଠି ତା'ର ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆମର କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ନେଫ୍ରନ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଇମେଜ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ୍ କନ୍ଭୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଦେନ୍ ୟୁ ସେପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଲୁପ୍ ଡାଇରେଟିକ୍ସ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ କରେ ନା ସୋଡିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ପୋଟାସିୟମ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟ୍ କରେ ୟୁରିନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଆବଜର୍ପସନ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 number, ନର୍ମାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିଆ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ୟୁରିଆ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ କେତେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ 2 to 15 mg/dL, ନା 6 to 24 mg/dL, ନା 15 to 40 mg/dL, ନା 20 to 50 mg/dL। ତ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ୟୁରିଆଟା ଆମର ନର୍ମାଲ୍ କେତେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି। ଏଇ 4 ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆମର ୟୁରିଆ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ କେତେ ନର୍ମାଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 6 to 24 mg/dL, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 6 to 24 mg/dL ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ୟୁରିଆ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 6 to 24 mg/dL, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2.1 to 8.5 mmol/L ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ନର୍ମାଲ୍, ବଟ୍ ନର୍ମାଲ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍ ମେ ଭ୍ୟାରି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦି ଲ୍ୟାବ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଏଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଜେନେରାଲି କେତେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 6 to 24 mg/dL, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଭ୍ୟାରି କରେ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦି ଲ୍ୟାବ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଏଜ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଜ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଲା
ता अनुसार आपंकर रेफरेन्स रेंजटा मे भी भ्यारी करे। ठीक तो ठीक अच्छे यू थी आम रेनाल सिस्टम उपर आम जो रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप निश्चिंत मन रखुद आउ हाँ यहाँ हूँ आम फोन पे पेटीएम नंबर जब आप भल लगी इनफर्मेटिव लगी देन आपबुल अनुजाई आपने हार्डवर्क को सपोर्ट करने चाहते आपने किसी भी आम सपोर्ट करेंगे आउ हाँ ये जो मैंने भी सपोर्ट करते जल्दी जल्दी तार स्क्रीनशॉट आम ये नंबर में आम व्हाट्सअप अच्छी आमको सेंड करूँ आम आप गोटे इंटरेस्टिंग ग्रुप में आड करदेबू जो थी किसी आम ओटीपीएलसी रिलेटेड टिप्स आउ किसी ओटीपीएलसी रिलेटेड आम जो रहा क्वेश्चन आंसर पीडीएफ प्रोवाइड करू तो जदि आपठ किसी भी अमाउंट पेमेंट करते 100, 200, 300 जहाँ हेल्ले भी आपने तार स्क्रीनशॉट को आपने जल्दी जल्दी यही नंबर में पठाई दिखाँ। ठीक अच्छे तो आम तापर जाए आपको ग्रुप में आड करदेव तो ठीक अच्छे जदि आप क्लास भिडियो आपको भल लगी निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सांग सहित आप सब ग्रुप भिडियो को सेयर करूँ जमीक सब पिला भिडियो लाभ पारे आउ हाँ जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना ये जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को ऑल रखुद यही इंटरेस्टिंग भिडियो को आपने सर्वप्रथम देखिपारे जब आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना तर डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जैसे आपने निश्चित जॉइन हो पारे आउ तले डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छी जब आपने पूर्व भिडियो सब देखी ना जाकर सब क्लास भिडियो को आपने निश्चिंत देखिपारे तो ठीक अच्छे आज भिडियो ये नेक्स्ट देखा आगामी ये इंटरेस्टिंग भिडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।